मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं तिल के लड्डू। तिल और गुड़ के लड्डू सर्दियों में बनाए जाते हैं। यह बहुत टेस्टी होता है और तकरीबन सभी लोग इसे पसंद से खाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम तिल, 250 ग्राम गुड़ और एक बड़े चम्मच घी। सबसे पहले पैन गरम करें और तिल को भून लें। तिल को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, तिल ज़्यादा भूनने से कड़वा हो जाता है। आँच मीडियम रखें और बराबर चलाते हुए भूनें। तिल फूल गया है और तिल थोड़ा सा चटकने लग गया है। अब हम गैस बंद करें और तिल को एक प्लेट में निकाल लेंगे। गैस चालू करें और एक चम्मच घी डालें और अब तोड़ा हुआ गुड़ डालें। गैस का आंच धीमा रखें, लगातार चलाएं। गुड़ जलना नहीं चाहिए। अब गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है और बुलबुले भी आने लग गए हैं। अब तिल डालें और अच्छी तरह मिलाएं। गैस बंद कर दें। अब एक प्लेट में निकाल लें। थोड़ा सा ठंडा होने दें, ज़्यादा ठंडा ना होने दें क्योंकि ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो जम जाएगा। हाथों में थोड़ा सा घी लगाएं और इस तरह लेकर हाथों से लड्डू बनाएं। देखिए हमारा लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। अब हम सारे लड्डू इसी तरह बना लेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइए आपको कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।